हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद खान। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसोमैक एल कैप्सूल के बारे में। फ्रेंड्स, इसोमैक एल कैप्सूल को सिप्ला लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है और ये मेडिसिन 10 कैप्सूल्स के एक स्ट्रिप में आती है जिसका मार्केट प्राइस 205 रुपये है। फ्रेंड्स, इसोमैक एल कैप्सूल एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें दो साल्ट का कंपोजिशन होता है, पहला इसोमेप्राजोल और दूसरा लिवोसल्फिराइड। दोस्तों, इस कैप्सूल में इसोमेप्राजोल 40 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में होता है और लिवोसल्फिराइड 75 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में शामिल होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में इसोमैक एल कैप्सूल के होने वाले यूज और बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले साल्ट के मोड ऑफ एक्शन क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ इस दवा के साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशन और डोज के बारे में भी जानेंगे एंड हमेशा की तरह उन दवाओं के बारे में भी बात करेंगे जिनके साथ इसोमैक एल कैप्सूल को लेने से नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप इस चैनल के एक नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल पर भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। तो आइए इस छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया है कि इसोमैक एल कैप्सूल में दो साल्ट का कंपोजिशन होता है, जिसमें अगर बात करें इसोमेप्राजोल की तो ये साल्ट प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स दवाओं के ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसका काम पेट में होने वाले एसिड की मात्रा को कम करना है, जिसके वजह से गैस्ट्रिक इरिटेशन से होने वाली परेशानियों से राहत मिलती है। और अगर बात की जाए लिवोसल्फिराइड की तो ये साल्ट प्रोकाइनेटिक्स, साइकोलेक्टिव और एंटी साइकोटिक्स दवाओं के ग्रुप से बिलोंग करता है, जो गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज यानी GERD और IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इनडाइजेशन यानी अपच जैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए काफ़ी यूजफुल माना जाता है। ये साल्ट पेट और आंत के एसिड को कम करता है, जिससे पेप्टिक अल्सर, एसिड रिफ्लैक्स और गैस्ट्रिक इरिटेशन से पेशेंट को राहत मिलता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि डॉक्टर इन दोनों साल्ट के कॉम्बिनेशन से बनाई गई इसोमैक एल कैप्सूल को कब और किस तरह के कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, इस दवा का यूज सीने में जलन, पेट में दर्द, पेट में जलन, खट्टे ढकार, पेट भारी होना, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज और पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन एसेटाइकोलाइन नामक केमिकल मैसेंजर को बढ़ाता है, जिससे पेट और आंत में मूवमेंट होता है और एसिड ऊपर की ओर भोजन की नली में नहीं आ पाता, जिस वजह से अपच और अल्सर से पेशेंट को राहत मिलता है। तो इस तरह फ्रेंड्स, इसोमैक एल कैप्सूल पुरानी से पुरानी गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करने के लिए काफ़ी यूजफुल माना जाता है। अब फ्रेंड्स, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन के बारे में बात की जाए तो वैसे तो इसका कोई खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट हो सकता है कि इसके यूज से थकान, सिर दर्द, डिप्रेशन और स्किन रिएक्शन जैसे कंडीशन देखने को मिल सकते हैं, जो बहुत ही हल्के तौर पर होते हैं। ज़्यादातर मामलों में इसे सेफ माना जाता है। और जहाँ तक इसके प्रिकॉशन की बात है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, पेट के कैंसर, दस्त, लीवर रोग और मैग्नीशियम की कमी वाले पेशेंट को इस दवा का यूज़ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ प्रेग्नेंट महिलाएं और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताओं को भी इसोमैक एल कैप्सूल को बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेना चाहिए। अब फ्रेंड्स, चलिए वीडियो के इस सेक्शन में इसोमैक एल कैप्सूल के डोज के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस दवा को सुबह खाली पेट एक कैप्सूल लेने की सलाह दी जाती है, जो इसका कॉमन डोज है। अब फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में वे उन दवाओं के बारे में भी जान लेते हैं जिनके साथ इसोमैक एल कैप्सूल को लेने से नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन मेथोट्रेक्सेट, एटाजानावीर, एटोरभास्टेटिन, नेप्रोक्सेन और वारफेरिन के ग्रुप के हो सकते हैं, इसलिए इन दवाओं के साथ इसोमैक एल कैप्सूल का यूज़ नहीं करना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में ईसो मैकेल कैप्सूल के बारे में जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और मेडिसिन के टॉपिक के साथ। नमस्कार।